एसएस चिल्ड्रन एकेडमी कांट रोड मुरादाबाद के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश के दिशा निर्देश में बच्चों के अधिकार पॉस्को एक्ट 2012 और यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बच्चों के साथ किए जाने वाले अपराध लैंगिक अपराध है, ये किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे कोई आपको गंदी तरह से स्पर्श करता हो, गंदे मैसेजेस भेजता हो, या किसी भी तरीके से हो सकता है, मोबाइल में भी हो सकता है, इशारों में भी हो सकता है। यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, इस बात को किसी न किसी फोरम पर समझें, अपने माँ बाप से अगर कह सकते हैं तो कहीं बेहतर, सबसे ज़्यादा बेहतर वही हो सकता है। अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो इस एक्ट का उद्देश्य भी फल हो जाएगा। जागरूकता सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरी चीज़ है, इस एक्ट को लाने के पीछे पहली मन से कि हम एक ऐसा सिस्टम लाएं जो बच्चों के लिए कंफर्टेबल हो, जहां आप अपने एविडेंस रिकॉर्डिंग अच्छे तरह तरीके से कर सकें। जैसे आम कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, पॉक्सो एक्ट के अधीन जो प्रोसीडिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। दूसरी चीज है स्पीडी ट्रैक, स्पेशल कोर्ट बनाने जाने का मतलब ये था कि केस का जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकें। खैर, ये अलग सी बातें हैं जो प्रायोरिटी है। सबसे ज्यादा जो मैं जरूरी मानता हूँ ये कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, आपके साथ ऐसा कोई भी व्यवहार हो, ऐसा कोई घटना हो, आपसे बताई होगी और हर फोरम में आपकी सहायता की जाएगी। धन्यवाद। जिसमें 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 12 बजे से आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद के अध्यक्ष मनीष कुमार, जनपद न्यायाधीश सचिव माधवी सिंह, अपर जिला न्यायाधीश नायक तहसीलदार सुंजी पल्लवी पानिया, विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर, राजस्व निरीक्षक रामनाथ सिंह, चौदान लेखगल पंकज और टीम के अन्य सदस्यों ने प्रतिभाग किया। जागरूकता कार्यक्रम का संचालन विद्यालय प्रवक्ता अर्चना शर्मा द्वारा किया गया और अंत में आभार व्यक्त अंग्रेजी प्रवक्ता डॉ. प्रशांत कुमार ने किया। वक्ता के रूप में सुधी पल्लवी पानिया ने यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और पॉस्को बारे में जानकारी दी। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर ने पॉस्को एक्ट 2012 के विषय में जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि विद्यालय के आयोजित किए गए ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम में 150 विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिकाएं मौजूद रहे।